सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। विमलोदकेशनी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा
बहुला बहुला प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधु केतव हंद्री च चंड मुंडा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्र महे सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्ध माता वरप्रदा महोदरे मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रोद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया यलोदरी शिवदूती कराली च आनन्दा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायदम् प्रपथे नित्यम् दुर्गा नाम शताशकम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषोडोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुधाम् जायम् हयम् हस्तिनमेव च चतुर्भर्गम् तथा चान्ते लभेन मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा दोधयित्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजे पर्या भक्त्या पठे नाम शताशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालग्धकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधोत्तरेण विधिग्रयन्तीनां विधिना विधिज्ञोपवे सदा धारयते पुरारिः भूमा वास्यान्निशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलिख्य प्रभते स्तोत्रम् सावभे सम्पदाम्बदाम् ॐ। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तजनों का माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के दरबार में अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय इस पवित्र गुफा में माँ भगवती पिंडियों के रूप में विराजमान माँ भगवती जगत जननी की पंचामृत से स्नान और वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। इस समय मनुष्य ही नहीं अपितु देवतागण भी देवलोक से उतरकर अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस माँ भगवती की गर्भवती होकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। इस समय स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। ये स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख सौभाग्य को देने वाले हैं, आरोग्यता को देने वाले हैं और मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अतः आप सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना ध्यान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी के चरणों में ले जाएं और भक्ति भाव से इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्यः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो भेजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यते सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जन्मकस्य द्विधाघातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यादो कवचं पुण्यं दर्शनश्च महामने प्रथमं जलबुद्धिज द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति जलोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाश्रमम् नवमं सिद्धिधात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना देयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमे देव व्यातः शरणं गता नादेशां जायते किञ्चिदशुभवर्णनसङ्कटे
नापदन्तस्य पश्यामि लोकदुःखवयं नहि ज्येष्ठ वक्तास्मिधानूनां तेजां वृद्धि प्रयायते ज्येष्ठान्तरन्ति देवेशि रक्षसेदान संशयः प्रेतसन्तातुझामण्डा बालाहिमैशासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारीशिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरे प्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इन्द्रियदामातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाजा नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रत्नमारूढा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमरं धामुसलायुधम् केटकं तोमरं चेप परशुं पाशुमेव च कुण्डायुधं शूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहिमां देवि धुष्पेशे शत्रूणामभयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नियामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैरित्यां खड्गधारणे वसिज्यां वारुणे रक्षे वायम्यां मृगवाहिने उदिजां वातु कौमारी एशानां शूलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दर्शिशो रक्षे जामन्धाशववाहना जया मे जागता पादो भीया पादो पृष्ठतः आशिता वाम भाजेतु दक्षिणे जापरायिता शिखामुद्योदिनि रज्जे वामोदिनि व्यवस्थिता मालादरीरधादेजो भवो रज्जे यशस्वनि त्रिनेत्राजो भवर्मध्ये यमघण्टा जनाधिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोद्धारवासिनि कपोलौकालिका रज्जे कन्नमौले तु शङ्करी नासिकायां तु गन्धा च उत्तरोषे च जर्जिका हसरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका कण्डिकां चित्रकण्डा च महामाया च ताडुके कामाशीजमुखं रज्जे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभञ्जे धनोदरी नीलग्रीवाबहि कण्ठे नडिकं नलकोभरि सगन्ध्यो कणिकनीरज्जे बाहु मे वज्रधारणे हस्त्योदण्डनीरज्जे अम्बिकाजाङ्गुलेषु च नखाधुरेश्वरीरज्जे तुभ्यो रज्जे कुलेश्वरी स्तनो रज्जे महादेवी मनः शोकविनाशने हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नभौ च कामनीरज्जे गुह्यं गुह्येश्वरे तथा भूतनाकामि कामेढं वदे महेशवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे यानने विन्द्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गुल्मयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे सुते जति पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षे पादादस्तलवासिनि नखान्दष्टाकरालिश्च केशां देवतकेशनि रोमकोपेषु गोवेरि तजं भागेश्वरे तथा रक्तमञ्जावसामासानक्षिवेदान्तिपार्वते अष्टानि गाढरात्रे च विद्वं च मुकुटेश्वरे पद्मापदे पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखे नखज्ज्वालामवेद्यां सर्वसन्दिश शुक्रां ब्रह्माणि वेदस्य सायं सत्येश्वरे तथा अहङ्कारं मनो बुद्धि रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् पञ्चहस्ता च मे रक्षे प्राणम् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्ये च योगने स्वत्वं रजस्तमस्यैव रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जशाकेतिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणीं गोतमिन्द्रानि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षिण महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु वैरवे पन्तानां सुबधा रक्षे मार्गं हेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता
रक्षाहीनम् भजिदङ्गवजेन तत्सर्वम् रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशनी पदमेकम् न गच्छेद जनेशे शुभमात्मनः त्वचेनाविधो नित्यम् यत्र यद्देव गच्छति तत्र तत्रापलाभश्च विजयः सर्वकामिकः जन्तयथे कामम् दन्तम् प्राप्नोति निश्चिनम् परमेश्वरेह मधुरम् प्राप्यते भूतले पमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामे शिवरायितः श्रीलोके तु भवेत्पूज्यः कवचेनाविलापमान् इदम् भूतेभ्यः कवचम् सेवानामपि दुर्लभम् जाफटे प्रयतो नित्यम् त्रिसज्जन् सज्जयान्वितः देवी कलापभेदस्य त्रैलोके शिवरायितः जीवेव पशुताम् सङ्ग्रामपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति गादयः सर्वे लोता विस्फोरगादयः साङ्गुलम् जाङ्कमम् देव कृत्रिमम् चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्तानि भूतले भूषराः केचरा चैव यदया चोदेशिका सा जाकुलया माला राकिणी शाकिनी तथा अन्तरिक्षा च राघोरा राकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतविषाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराज च भेदालः कुष्मारावेरवादयः नश्यन्ते दर्शनादश्च कवचे संस्थिते मनो निरेव भेदाज्ञस्तेजो वृद्धिकरम्बराम् जसुसा वर्धसे सोऽपि कीर्तिमण्डितबोधले जपे सन्दिम् कृत्वा लोकवचाम्बरा जापतो मण्डलम् दत्ते शशेलवनकाननाम् तापतिष्ठति वेदिन्या सन्दने पुत्रबोधके देहान्ते परमंसानम् यस्वरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रेतये सप्तशरी पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्गण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकारी भद्रकारी कपालिनी दुर्गा शमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते जय त्वम् देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगभे देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटपभिद्रावि विधात्रि वरदे नमः अरूपम् देहि जयम् देहि जयो देहि द्विजो यहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानाम् सुखदे नमः अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि रक्तबीजवधे देवि चन्द्रमन्दविनाशने अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि शुम्भस्येव निशुम्भस्य धुम्रायस्य च मर्दने अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि वन्दिनाङ्गे देवि सर्वसौभाग्यदायने अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि अचिन्त्यलोपचरिते सर्वशत्रु विनाशने अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि न तेभ्यः सर्वधा वद्याजन्निके दरिदापहे अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि स्ववध्यो भक्तिपूर्वम् त्वम् चण्डिके व्याधिनाशने अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि चण्डिके सततम् जेतामर्जयन्तीह भक्तितः अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमम् सुखम् अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि वदेहि द्विजाम् नाशम् वदेहि परमुच्चकैः अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि वदेहि देवि कल्याणम् वदेहि परमाम् श्रियम् अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि सुरासुरशिरो रत्नानि कृष्णचरणेऽम्बिके अरूपम् देहि जयम् देहि जिलो देहि द्विजो यहि विद्याभण्डम् यशस्वन्दम् लक्ष्मीभन्दयनम् करो
रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि प्रचंड दैत्य सर्वग्ने चंडिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि चतुर्भुजे चतुर्भद्र संसुदे परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि कृष्णेन संसुदे देवी सर्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि हिमाच सुधानाथ संसुदे परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि इन्द्राणि बल सद्भाव बोधिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि देवी प्रचंड दौर्दण्ड दैत्य सर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जयो देहि दिलो जहि वसनीनार्मां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य करोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे द्वादो महाद्वोतं पठे नरः साधु सप्तषधी संख्या परमापनोति संवदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टवशन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यतम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाददारिणे सर्वमेवध्यानीय मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमम् वाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्धानुजानधारिणि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुकृतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोणोषधं दत्त न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः हित्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवाविदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायासो तज्जगुप्तं जकारसः समादेन वन्यस्य त्वं यथा वन्नियन्त्रणाम् सोऽपि मम वाप्नोति सर्वमेव संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददातीव दिहिन्नादि नान्यतेषामसीदति एत्थं रूपेण गीलेन महादेवेन गीलितम् ज्योतिषीणां विधायेन नित्यं जपते संस्मराम् सा सिद्धः साकनः सोऽपि गन्धर्भो जायते नरः न चेदस्य वयं कापि हयायते नामविद्वशं जाते मितो मोक्षा पापण्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वानोऽपि नश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवते सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते लरनायने तत्सर्वं जत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शनिस्तु जप्यमान्यस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवचेव स्वग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्मदः शत्रुहाणि परो मोक्षः स्तूयते सान किं जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् हैगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्रशिरोदिनि वादिनि वैष्णविनादिनि विष्णुनुते भगवति हे कण्ठपटुम्बिनि भूरि कटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि अम्बकमर्दिनि शैलसुते दुर्बलवर्षिणि दुर्बलवर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनकोलिनि रङ्गकोलिनि गिरिविलमोलिनि कोशरते तनुजनि रोदिनि निजसुतरोषिणि दुर्मदजोदिनि सिन्धुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि अम्बकमर्दिनि शैलसुते हरि जगदम्ब पदम्ब
Yeah.
पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिए। श्री भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वरदे वंदना।
Oh,
पेज नंबर 30 मासिक क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी यन्ते हन्यमया दासोऽयमिति कामत्वा क्षमस्व परमेश्वरे आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन कामेश्वरी जगन्मातः सचिदानन्द विग्रहे देहानां चाम्नि मां प्रेत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोपीतां गृहाणां समर्पितां जपां सिद्ध्य भवतु मे सचिया ज्योता भले माता तेरे सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण कर्ण भले माता तेरे सदा ही जय सबको सद्बुद्धि ध्यान भले माता तेरे सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। शुभ समय है, आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस आरती की परम पवित्र बेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके जग जननी जगत माता की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का, इस जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय बसंतिक नवरात्र चल रहे हैं और वसंतिक नवरात्र का सप्तम नवरात्र है। माँ भगवती की जो नौ रूप है, और नौ रूपों में माँ भगवती का यह सातवां रूप जो है ये काल रात्रि का है। आज के दिन साधक जन जो है इस माँ भगवती काल रात्रि के स्वरूप का जो है ध्यान करते हैं और अपने मन की स्थिति को जो है सहस्र चक्र में जो है स्थित कर करके
भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती जे काल रात्रि हम सब भक्तों की रक्षा करें, हम भक्तों का कल्याण करें, शत्रुओं पर विजय दिलाएं, अंग संग रक्षा करें और सर्वत्र जो है माँ भगवती सबका शुभ करें। वास्तव में माँ भगवती काल रात्रि का स्वरूप है, जिसके बाल खुले हुए हैं, तीन नेत्र हैं, बड़ा विकराल रूप है और इनके शरीर का जो है वर्ण जो है जी अंधकार रात्रि की तरह जो है एकदम से काला है। जैसे सब भयंकर स्वरूप है, वास्तव में एक नाम जो है इसका शुभम करीबी है, जो भक्तों का शुभ करती है, दुष्टों का नाश करती है और इसका जो उपासक होता है माँ भगवती का साधक काल रात्रि की जो उपासना करने वाला जो है उसको कभी जो है रात्रि भय नहीं होता, उसको कोई भूत प्रेत बाधा जो है वह नहीं होती, बाल ग्रह बाधा भी जो है ये दूर होती है, ना उसे जल के राशि का जो है भय होता है, ना अग्नि का भय होता है। वास्तव में इस काल रात्रि की उपासना करने वाला जो साधक है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करता है और जो भगवती हर स्थान पर अंग संग जो है उनकी रक्षा करती है। जय भगवती एवं भगवती देवी स नित्याभि पुनः पुनः संभोज करते भूप यगतः परिपालन। जय भगवती जो है जे पुनः पुनः प्रकट होकर के यज्ञ की रक्षा करती है, जब जब भी जो है इस सृष्टि पर जो है आतंक जो फैल जाता है तो किसी न किसी रूप में इसका प्रादुर्भाव होता है, जिस शक्ति के रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, उन दुष्टों का नाश करती है और भक्तों की रक्षा करती है। तो पुनः पुनः जो है ये यज्ञ में प्रकट होती है, यज्ञ की रक्षा करती है और वे ही जो है संभोज करते भूप यज्ञ परिपालनम तई तन भोजते विश्वम से विश्वम प्रसोयते सजाजत विज्ञानम तुष्ट रिद्धि प्रयश्यति। और वही विश्व को जो है ये मोहित करती है, सारा यज्ञ जो है ये मोह में पड़ा हुआ है, इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं, चाहे वह धन मोह है, संतान मोह है, घर गृहस्थ का मोह है, अन्य जितने जो मोह है, इसी भगवती ने ही सारे यज्ञ को मोहित कर रखा है, चाहे वो ज्ञानी ही चाहे तपस्वी ही। ज्ञानी नव चेतन सिद्धि भगवती सा भलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयश्यति। जी बड़े बड़े ज्ञानियों को तपस्वियों को भी मोह के गहरे गर्त में गिरा देते हैं, फिर सामान्य मनुष्य का कहना है क्या। इसलिए भक्तजन इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसकी जब जन्य की जिन पर कृपा हो जाती है वो ही इस मोह से यही मुक्त होते हैं। उन्हें को जब भगवती ऐसा ज्ञान देती है जिस ज्ञान से फलीभूत होकर के वह साधक जो है इस लोक में सौ सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण हो जाता है। जय भगवती प्रार्थना करने पर यह संतुष्ट होकर के जब ज्ञान देती है, समृद्धि देती है, सब ओर से भक्त कल्याण करती है और महाप्रलय के समय जो है व्याप्तम तहित सकलम ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूप जी महामारी के समय जो है यही भगवती जो है प्रलय काल में जो महाकाली ही ब्रह्मांड में जो व्याप्त होकर के यही समय समय पर जो है महामारी होती है और यही समय समय पर जो है अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में जो प्रकट होती है, सृष्टि के रूप में यही जो है प्रकट होती है और जिस नातनी देवी ही समय अनुसार जो है संपूर्ण भूतों की जो है प्राणियों की रक्षा करती है। मनुष्य के अवधि के समय, उनके उन्नति के समय जी भगवती जो है जी उनके घरों में लक्ष्मी विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांति देती है और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल करती है। और इसकी पूजा जो है जो भक्तजन प्रतिदिन देवी की पूजा करते हैं, और पूजा का विधान कोई बहुत बड़ा नहीं है कि भगवती की जो पूजा करने वाला भक्त है कहाँ है, माँ ने स्वयं कहा है सुधा संपूजिता पुष्पेर धूप गंधा दिव्यस्तथा ददाते वित्तम पुत्रांच मतिम धर्मे गतिम शुभम। जे भगवती जी स्तुता
गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो पंचोपचार पूजा जो बतलाएगी कि आप जो है स्नान करवाते हैं, तिलक करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप और दीप जो है नैवेद्य जी प्रतिदिन जो है जो माँ को भोग लगाते हैं, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उन पर जो भगवती सदा सर्वदा प्रसन्न रहती है और प्रसन्न होकर के जे माँ भगवती उन भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, संतान सुख देती है, धार्मिक मति देती है, धार्मिक बुद्धि देती है, धर्म की ओर जो है जे ले जाती है और उत्तम गति को देती है। इसलिए कल्याण का मना सुख चाहिए, इस देवी के शरणागत होकर के इस माँ भगवती की उपासना माँ की आराधना जो है जे अवश्य जो है जे करनी चाहिए। महाकाली काली के पास से जो सब ओर से जो है ये रक्षा करने वाली है और यही समय आने पर जो है काल का रुधन करती है। आप कहते हैं यमराज जो है उसका जो है बिल्कुल काला भरन होता है, तो काल जो काल कहा गया है हम काले कहते हैं वह संहार करने देवी है। यही भगवती की उपासना कहते मैं छोटा सा दर्शन दे रहा हूं कि वास्तव मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना जो जीवन रहते हुए अपना कल्याण जो कर लेना चाहिए, क्योंकि यही एक शरीर जो साधन है और साधन के द्वारा यदि व्यक्ति साधना करता है तो उसका यह लोक भी कल्याणमय होता है और परलोक भी कल्याणमय हो जाता है। ये जीवन रहते हुए आप भले कर्म जो है वह कर सकते हैं, जब जीवन समाप्त हो गया क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि काल जो है सदा सर्वदा जी सबके सिर पर बैठा हुआ है और कब जे गला दबा दे कुछ पता नहीं और समय जो सबका निश्चित है और किसी को पता नहीं कब समय आएगा। इसलिए समय रहते हुए प्रारंभ में ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म जो है ये करते रहना चाहिए। कहते हैं कि एक राजा थे, राजा का एक उद्देश्य था कि अपने राज्य की राष्ट्र की वृद्धि करना, खूब खजाना भरना, अन्य देशों पर आक्रमण करना, उनको अपने साथ मिलाकर के इस प्रकार से जीवन भर जो है उसने खूब जो है धन संपत्ति जो है जो राज्य की वृद्धि राष्ट्र की वृद्धि उसने की और कभी धर्म कर्म नहीं किया, कभी भी धर्म कर्म नहीं किया, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया। तो कहते एक दिन राजा जो थे सोए हुए थे, रात को उनको सपन आया, एक काली छाया जो है उसके सामने आई और राजा को कहा कि राजन कल सूर्य अस्त से पहले मैं आपको लेने के लिए आऊंगी, आप कल सायंकाल जो है सूर्य अस्त से पहले ठीक स्थान पर ठीक समय पर जो है आप पहुंच जाना। राजा ने कहा कि क्यों, तो उसने कहा देखो मैं काल हूं मृत्यु हूं और आपका समय आ चुका है, कल सूर्य से पहले मैं आपको लेने आऊंगी, तो आप सूर्य से पहले ठीक स्थान पर ठीक समय पर जो है आप पहुंच जाना। राजा जो था वह घबरा गया कि मृत्यु आ गई, भयभीत हुआ, चिल्लाने लगा, सभी रानी वहां पर आ गई, मंत्री आ गए, वैद्य आ गए कि राजा को क्या हुआ, सब जो उसको देखने लगे, वो आगे पीछे देखे ये सब क्या है, काली छाया ये क्या थी और सामने जो है उसकी वाणी जो मुझे सुनाई दी। तब जो है राजन वह सपन जो था बतलाया सबको, तब जो है सबने यही कहा जो विद्वान थे मंत्री थे अन्य से लोगों ने जो है कहा कि सपन सपन होता है, ये कुछ नहीं होता है, आपको ऐसे भय हुआ है और यदि ऐसी बात है वह काली छाया आई है आपको लेने के लिए तो यही कहीं आगे पीछे होगी। अब ऐसा कीजिए राजमहल को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए आप कहीं बाहर चले जाइए। किसी ने जो समझाया नहीं कि क्या मृत्यु आ चुकी है, मृत्यु को धोखा दे रहे हैं, कुछ सत्कर्म करें। कहते हैं कि भगवान ने जहां तक कहा है अंत काल में भी जो है अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्तवा कलेवरम जहां पर जाती स मदभावम जाते नास्त्र संशय,
ये गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अंतिम समय में अंतिम श्वास में भी यदि कोई मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी जीवन में कभी स्मरण किया नहीं, ध्यान किया नहीं, तो अंतिम समय में ध्यान आएगा कैसे? इसलिए जो है व्यक्ति को समय रहते हुए भगवान की आराधना, जे जप पाठ, जे धर्म कर्म जो है, दीन दुख की सेवा परोपकार जो है, ये करते रहना चाहिए। राजा को जब सपने समझाया कि सपन सपन होते हैं, आप राजमहल से निकल जाइए, कहीं कुछ समय के लिए आप कहीं दूर चले जाइए, वह काली छाया इधर ही होगी, यदि आएगी तो आप तो यहां पर होंगे नहीं, तो किसको मारेगी वो? राजा ने कहा, ये बात तो ठीक है, कहूंगे जीवन भर कोई अच्छा काम किया नहीं, कभी भगवान का स्मरण किया नहीं था, तो कैसे ऐसी बुद्धि आती? और फिर जो मंत्री होते हैं, बाकी भी जो होते हैं, वह भी वैसे ही हो जाते हैं, जैसा संग हो वैसा ही रंग लगता है। तब जो है राजा जो है घोड़े पर सवार हुए, उस समय जे गाड़ियों का जो है जे नहीं था, घोड़े पर ही राजा जो है आगे पीछे जाते थे। राजा घोड़े पर सवार हुए और राजमहल से निकल पड़े, घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा और चलते चलते जैसे सायंकाल हुआ तो राज्य से ही बहुत दूर निकल चुका था, सूर्यास्त होने वाला था। राजा घोड़े से नीचे उतरे और उतर करके घोड़े की पीठ जो थे थपथपाने लगे और घोड़े का धन्यवाद करने लगे कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़े से समय में इतनी दूर मुझे आप ले आए। इतने पीछे से वह काली छाया भी राजा की पीठ थपथपाते हुए उसने कहा कि राजन आपका भी बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, क्योंकि आपका यही स्थान था, यही समय था और आप समय से यहां पर पहुंच गए। आपको कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं मिला कि कम से कम आपको अंतिम समय में जो है समय आ चुका था, तो जो समय मिला प्रातः काल से सायंकाल तक जो है बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ढाई घड़ी में जो है अपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित हुए 7 दिन में जो उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। आपको समय मिला परंतु आपके पास कोई सदगुरु, कोई ज्ञानी पुरुष आपको नहीं मिला, वो आपके पास था नहीं, जहां फिर उसको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से आप कोई अपने कल्याण के, क्योंकि कहते हैं कि यदि आज वो शेष है, आपके पाप कर्म इतने बढ़ चुके हैं तो मृत्यु पहले भी हो सकती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, अकस्मात कहीं एक्सीडेंट में या किसी और दुर्घटना होने से। यदि व्यक्ति धर्म कर्म करता है, जब पाठ करता है, उससे बैकस जो है वह विपत्तियां जो टल जाती हैं और मनुष्य ये पूर्ण आयु का भोग जो है वह कर सकता है। आयु शेष है तो आयु की वृद्धि होगी धर्म कर्म करने से, यदि आयु शेष नहीं है तो आप धर्म कर्म करने से उसका परलोक जो है वह सुधरता है। इसलिए वे राजा से काली छाया से कहने लगी कि सदगुरु और भक्ति के अभाव में जो है वास्तव में मनुष्य यही उसी दुख के पास जो पहुंच जाता है, जब पता चलता है तब तक जो है बहुत समय हो चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है, समय हाथ से निकल चुका होता है। जब समय हाथ में है ही नहीं, फिर कैसे उस समय कहे कि मैं कोई धर्म कर्म करूं, ध्यान करूं? और जो समय मिलता भी है व्यक्ति को, उस समय का सदुपयोग यदि कोई करता है, निश्चय रूप से उसका कल्याण होता है। यदि उसकी आयु शेष है, आयु की वृद्धि होगी, यदि आयु शेष नहीं है, पूर्ण आयु हो चुकी है, तो जो है उसका परलोक जो है वह सुधरेगा। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बोध चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी जगत माता के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ के नाम का जप जो है, माँ के दर्शन, दर्शन से मनुष्य के पापों का नाश होता है। ये जो आप धर्म कर्म करते हैं, इससे पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन जो है सुखद हो जाता है।
जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, जित तपस्लिए तबो भूमि ही, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर पिंडी के रूप विराजमान होकर के माँ भगवती तप कर रही है। जब घोर कल जुगाएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। माँ भगवती आदि शक्ति इस गुफा के अंदर तीन दिव्य पिंडी के रूप विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। और जे तीन शक्तियां ऐसे, यही एक ऐसा स्थान है जहां पर जे तीनों शक्तियां एक साथ विराजमान हैं। और जिन भक्तों को इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद, तीनों शक्तियों की कृपा हो जाती है, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी रहती ही नहीं। महाकाली जो कष्ट को दूर करती है, रोगों से मुक्ति देती है, शत्रुओं विजय दिलाती है, अंगसंग जो है जे भगवती महाकाली जे रक्षा करती है। महालक्ष्मी जो है जे धन लक्ष्मी का वरदान देती है, परमेश्वर को देती है, धन धान्य की वृद्धि करती है, कारोबार में वृद्धि करती है, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है। माता महासरस्वती जे विद्या बुद्धि का वरदान देती है। जे तीन शक्तियां हैं, निरोगी काया, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, इनका जीवन में महत्व है। जिसका विवेक, जिसकी बुद्धि ठीक है, जो धन लक्ष्मी का जो है धन शक्ति ठीक सदुपयोग करता है और शरीर शक्ति का ठीक सदुपयोग करता है, जो करनीय कार्य उनको करता है, तो उसका कल्याण है इस लोक में भी और परलोक में भी। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो नवरात्रों में जो है, क्योंकि ये नवरात्रों में भगवती की विशेष पूजा आराधना सही भक्तजन करते हैं। ये क्योंकि ये 9 दिन जो शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं। 9 दिन भक्तजन जो है माँ की उपासना कर करके जो है ये तीनों शक्तियां प्राप्त करते हैं। जिन शक्तियों से संपन्न होकर के उनका जीवन जो है वह ठीक प्रकार से चलता रहता है। और इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति करने के लिए 1-2 जन नवरात्रों की पूजा जो होती है, इसमें जो भक्तजन जो है यह माँ की उपासना करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ की अखंड ज्योत जगा करके माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के नाम का जो है वह जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवती की हम पर कृपा हो जाए। और प्रतिदिन शक्ति की उपासना जो करनी चाहिए और नवरात्रों में जितना जप हो सकता है जप करें और माँ से प्रार्थना करें। आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। इस मंत्र का जप करने से और माँ के दरबार में आकर के इस पिंडी के रूप में माँ के दर्शन करने से भक्तों पर इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा जो है ये बनी रहती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है, आज सप्तमी जो है ये 1:24 तक रहेगी, उसके उपरांत अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। और कल अष्टमी जो है जे 11:42 तक जो है जे रहेगी, उसके उपरांत जो नौमी प्रारंभ हो जाएगी। भगवान श्री राम का जन्म जो है जे दिन के 12 हुआ था और कल अष्टमी युग राम नौमी का व्रत भी काली है, जो अष्टमी का पूजन कर करके शाखा पूजन करके उनका विसर्जन करते हैं वह प्रातः काल जो है वह सब कर सकते हैं। जो नौमी में करना चाहते हैं, जो नौमी में करते हैं, उन्हें जो है 12 के उपरांत जो कन्या पूजन करके शाखा पूजन करके उसका विसर्जन जो है ये कर सकते हैं। यहां पर प्रत्येक नवरात्रों में विश्व कल्याण के लिए श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड की ओर से सचंडी यज्ञ करवाया जाता है। उस यज्ञ की जो प्रथम नवरात्र में यज्ञ प्रारंभ हुआ था और कल उस यज्ञ की पूर्णाहुति जो है ये 1:09 में होगी।
क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति जो है नौवीं में ही होती है, दसवीं में वर्जित है। इसलिए कल 1 बजे जो है यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आप भक्तों को ये सादर निमंत्रण है कि आप 1 बजे जो है ये यज्ञशाला सरस्वती भवन में है, वहां पर यज्ञ का आयोजन चल रहे हैं, और 1 बजे वहां पर जो है आप पूर्णाहुति के समय आकर के यज्ञ की पूर्णाहुति देकर के आप पुण्य के भागी बनी, पुण्य प्राप्त करें। कहते हो यज्ञ करता है जो हवन पूजा करता है, और अंतिम दिन जो है जो वहां जाकर के पूर्णाहुति देता है उसको वही फल जो है प्राप्त होता है, वहां जाकर के पूर्णाहुति देना। तो कल जो है यज्ञ की पूर्णाहुति जो है यहाँ 1 बजे का समय रखा गया है, 1 बजे नौमी में जो पूर्णाहुति की जाएगी। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री मनिंद्र सिंह के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोले थाली बजाते हुए श्री मनिंद्र जय करा शिरवन विदा। बोल सच्चे दरबार की जय। तू रख परोसा दाती ते, तू रख परोसा, तू रख परोसा दाती ते, तू रख परोसा, हो तू रख परोसा दाती ते, तू रख परोसा, हो तू रख परोसा दाती ते, तू रख परोसा, हो तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, हो तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, हो तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, हो चंगा बन जा तू आप तैनु होर नाल की, चंगा बन जा तू आप तैनु होर नाल की, हो तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, हाँ तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, हो तू रख भरोसा दाती ते, तू रख भरोसा, तू रख भरोसा दाती ते, तू रख भरोसा, हाँ तू रख परोसा दाती ते, तू रख परोसा, तू रख परोसा दाती ते, तू रख परोसा। ताले सभी हाथ फल कर लगाए, ढीले ताले नहीं, ताले की आवाज माए के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती माँ भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपकी जोड़ियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। कंध पल्ले होवे ओ हो पाई अपनी, जेडी कंध पल्ले होवे ओ हो पाई अपनी, जेडी कंध पल्ले होवे ओ हो पाई अपनी, कम आवनी है तेरे ही कमाई अपनी, जेडी कंध पल्ले होवे ओ हो पाई अपनी, जेडी गंड पले होवे ओ पाई अपनी, गंड पले होवे ओ पाई अपनी, ओ तैनु होर ना दे लख दे करोड़ नाल की, तैनु होर ना दे लख दे करोड़ नाल की, ओ तू कठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, तू गठड़ी संभाल तैनु चोर नाल की, तू रख
रख भरोसा चल होड़ी किसे नू जो लगे ओ ना कर गल तू फुल निमिया नू लगे नीवा होके चल तू फुल निमिया नू लगे नीवा होके चल तू फुल निमिया नू लगे नीवा होके चल तू हो तैनू पापियां कमंडियां ते जोर नाल की तैनू पापियां कमंडियां ते जोर नाल की ओ तू कठड़ी संभाल तैनू 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 जोर नाल की तू गठड़ी संभाल तैनू जोर नाल
दरबार की जय। जयकारा मेरे शरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी विनती यही है अम्बे रानी कृपा बरसाए रखना माँ, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है अम्बे रानी कृपा बरसाए रखना माँ, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है तेरा नाम सिमरो हे अम्बे रानी।
भोला की अम्बे जगदम्बे नाम वाली अम्बे जगदम्बे नाम वाली लगन ये लगाए रखना कृपा बरसाए रखना हे मैया रानी कृपा बरसाए रखना हे मां भवानी कृपा बरसाए रखना ओ मेरी विनती यही है अम्बे डोलू तेरी गलियन में मैं डोलू तेरी गलियन में मैं डोलू तेरी गलियन में ओ तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलू तेरी गलियन में मैं डोलू तेरी गलियन में मैया रानी मैं डोलू तेरी गलियन में कहे दास ये तेरा महारानी दास ये तेरा महारानी हृदय से लगाए रखना कृपा बरसाए रखना हे मैया रानी कृपा बरसाए रखना हे अम्बे रानी कृपा बरसाए रखना हो मेरी विनती यही है अम्बे रानी पर साए रखना पर साए रखना मैया रानी पर साए रखना अम्बे रानी पर साए रखना हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी हो तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना धर्म का
आजू जाला कर दे मां,
नाथ की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला मिल रहा माँ क्या युवा में गाऊ माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या हो हाँ में गाँव में तेरे भवन की आज उजाला कर दे ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊं मैं तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे जयकारा श्री रामदास बोल सच्चे दरबार की जय नाल सुखा दे मन नाल सुखा दे सुला तू करा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी नाल सुखा दे तू सुला ना करा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी सुखा दे तू सुलाम करा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी नाल सुखा दे तू सुलाम करा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी दिन खुशियां दे मुड़ के दिखा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी खुशियां दे मुड़ के दिखा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी ओ दिन खुशियां दे मुड़ के दिखा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी दिन खुशियां दे मुड़ के दिखा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी ओ दुख पैड़े भजने दा रावी ना दिंदे ने सुख ताए दाते ने सावी ना दिंदे ने दुख पैड़े दाते ने सावी ना दिंदे ने सुख पैड़े दाते ने सावी ना दिंदे ने माँ दुख पैड़े भजने दा रावी ना दिंदे ने सुख ताए डाटे ने सावी ना दिंदे ने सुख डाटे ने सावी ना दिंदे ने सुख पैड़े डाटे ने सावी ना दिंदे मेरा इना नाल रिश्ता तुड़ा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी मेरा इना नाल रिश्ता तुड़ा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी मां नाल दुखा दे सुला तू करा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी ओ नाल दुखा दे तू सुला मा करा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी ओ दुखा नाल रहना मेरे बस दा मा खेल नहीं सुखा नाल एना दे मां कोई तालमेल नहीं सुखा नाल एना दे मां कोई तालमेल नहीं सुखा नाल एना दे मां कोई तालमेल नहीं सानू पखो पख रामा उत्ते पा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी सानू पखो पख रामा चुपा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी मां सानू पखो पख रावा विच पा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी सानू पखो पख रावा विच पा दे दुखा नाल नहीं ओ निभदी मां नाल सुखा दे सुला तू करा दे
ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸੁਲਾਮਾ ਕਰਾ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਲੀ ਮਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਮਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੈਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਅੱਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਲਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਲਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਲਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਲਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾ ਕਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੋ ਪੱਖ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੋ ਪੱਖ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਅੱਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਅੱਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਲੀ ਮਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
ਬਦੀ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਭਦੀ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਭਦੀ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਭਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਰੋੜਾ ਸਦਹੰਸ ਭ੍ਰਮਤ ਜਗਦਨ ਦਕਸ਼ਣ ਚਤਸੋਤ੍ਰ ਵਾਮੇ ਹਸਤ ਦਿਭ੍ਯਾਮ੍ਰ ਕਣਕਮਯ ਪੁਸਤਕੰ ਜਨ ਗਮ੍ਯ ਸਭਿਨਾਮ ਹਦਯੰਤੇ ਸਵੈਕਰ ਕਰਜਵੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੇ ਏੜੰਤ ਦਿਵਯ ਰੂਪ ਕਰ ਕਮਲ ਧਰ ਹਰਤੀ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸੱਚਿਆ ਜੋਤੈ ਮਹਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਆਜ ਕਾ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਸੰਵਾਦ 2076 ਉਤਰਾਇਣ ਉੱਤਰ ਗੋਲ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਚੈਤਰ ਮਾਸ ਕੀ ਆਜ 30 ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਆਜ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਦਨੁਸਾਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 2019 ਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲ ਆਰਤੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਭਕਤਜਨੋ ਕੋ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਮਨ ਕੰਪਾ ਸੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣ ਕਰਮੀ ਹੀ ਜੋ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਿਆ ਇਨ ਬਸੰਤਿਕ ਨਵਰਾਤਰ ਕੇ ਸਪਤਮ ਨਵਰਾਤਰ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਸ ਜਗਜਨਿ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਸਪਤਮ ਨਵਰਾਤਰ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਕੋ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਔਰ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੋ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੋ ਕੋ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਸੰਤਤੇ ਭਾਣ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਸਵੇ ਭਵ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਣ ਭਵ ਭੂਰ ਭੂਤ ਕਰਣੇ ਧਾਣ ਕਨਿਸ਼ਟੋ ਭਵ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵ ਬੈਰੀ ਦਰਭ ਦਲਣ ਵਪਾਰ ਦਕਸ਼ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭਰ ਪਾਦ ਪੂਜਨ ਰਤ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵ ਮੰਤ੍ਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਤਰੂਨਾਮ ਬੁੱਧਿਨਾਸੋਸਤੋ ਮਿੱਤਰਾਣਾਮ ਦਿਅਸ ਸ਼੍ਰੀਰਵਰਚਸ ਆਯਸ਼ਮਾਰੋਗ੍ਯਮਾਵਿਦਾਤ ਸ਼ੁਭਮਾਨ ਮਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤ੍ਰ ਲਾਭੰ ਸਸਮਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁਃ ਅਸਤੋ ਦੀਰਘਮਾਯੁਃ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮਿਧਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਾਨ੍ਯ ਸੇ ਸਮਿਤ ਕਰੇ ਸਭ ਹੋਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੋ ਅਭੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਪ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਜਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਸਮੇਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਲੀ ਜਾਤੇ ਹੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਧੇ ਗੋਰੇ ਮਈਆ ਜੈ ਪੁਸ਼ਪਗਲ ਮਾਲਾ ਕੰਠਨ ਪਲ ਭਾਜੇ ਓਮ
तो बोलिए ओम ओम जय
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कुलदुर्गा माता की जय वैष्णो माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय वसंतिक नवरात्र चल रहे हैं और वसंतिक नवरात्रों में विश्व कल्याण के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर जहां दरबार में सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है जो प्रथम नवरात्र से प्रारंभ होकर के कल नवमी के दिन जो है इस यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। कल जो है प्रातःकाल 11:42 तक जो है अष्टमी रहेगी दुर्गाष्टमी होगी और 11:42 के उपरांत जो है रामनवमी जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो रामनवमी का व्रत भी जो है ये कल ही होगा क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म जो था ये मध्याह्न के समय 12 नवमी में हुआ था, इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए अष्टमी और नवमी जो है ये दोनों कल इकट्ठी आ रही हैं। जो अष्टमी में माँ दुर्गा का पूजन करते हैं वह प्रातःकाल जो है कन्या पूजन कर करके वह शाखा पूजन करके विसर्जन कर सकते हैं और जो नवमी में जो है पूजन करते हैं कन्या पूजन जो है 12 के उपरांत जो है वह कन्या पूजन करके माँ का पूजन करके शाखा पूजन करके उसका विसर्जन जो है कर सकते हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र साहित्य शास्त्र वेद नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्री रणवीर केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य सेवानिवृत्त प्राचार्य जी और वर्तमान में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के निर्देशक सचंडी महायज्ञ के आचार्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से कि वह आज सप्तमी के सप्तम नवरात्र के अवसर पर जो है भक्तों को माँ भगवती का जो सातवां रूप है काल रात्रि का उसका महत्व बतलाते हुए अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्तों को लावण्यित करें। परम श्रद्धा परम पूज्य गुरु जी या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। सम्माननीय यज्ञ के प्रधान यजमान यहाँ के प्रशासक श्री SGM साहब श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक
श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, सभी विद्वज्जन, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, वासंतिक नवरात्रों के अवसर पर छठे नवरात्र में, सप्तम नवरात्र में आपका इस सिद्धपीठ पर वैष्णवी माता के दरबार में अभिनंदन, आपका स्वागत। जैसे कि आपने सुना कि आज मां भगवती के जो नौ रूप हैं उनमें आज कालरात्रि का दर्शन कर रहे हैं। कालरात्रि इसका नाम क्यों है? क्योंकि घने अंधकार की तरह इनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और श्वास प्रश्वास से बिजली की किरणें जैसे विकिरण निकलते रहते हैं। ब्रह्मांड के समान इनके तीन नेत्र हैं और उन नेत्रों से भी चमकीली किरणें जो है वो निकलती रहती हैं। यद्यपि देखने में इनका स्वरूप भयंकर दिखाई देता है, लेकिन भक्तों को ये अभय मुद्रा में रह करके वरदान देती हैं और इसीलिए इनका नाम एक शुभंकरी है, जो कल्याण करने वाली है। इन भगवती की आराधना सप्तम नवरात्र में जब की जाती है और जो भक्तजन लगातार निरंतर इसकी उपासना में तल्लीन है, वे आज के दिन अपने मन की अवस्थिति सहस्रार चक्र में करते हैं। आज्ञा चक्र यहां तक हो चुका था, अब यह सहस्रार चक्र यहां पर इसकी स्थिति होती है। और इस चक्र में जब उपासक जो है वो इस उपासना करता है, इस चक्र में उनके मन की अवस्थिति होती है, तो संसार की कई प्रकार की सिद्धियां जो हैं उनके मार्ग जो हैं वो खुलने लग पड़ते हैं। इनके दर्शन से, इनकी उपासना से रोग शोक कलह भय व्याधियां दूर होती हैं और भूत प्रेत पिशाच राक्षसी बाधाएं जो हैं वो भी सारी दूर होती हैं। सब प्रकार के अरिष्टों को दूर करने के लिए, अपने वैसे तो किसी को शत्रु समझना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई किसी प्रकार का हो तो इसी के आगे मस्तक भी निभाना चाहिए कि उनका विरोध जो है वो समाप्त हो जाए। जिस समय देवताओं को बड़ा पीड़ित किया था राक्षसों ने, युद्ध लगाया था, उस समय देवता भगवती मां को कहने लगे कि दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिनोषि शस्त्रम लोकान् प्रयान्ति रिपवोऽपि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि देवि साध्वी। हे मां, हे जगज्जननी जगदम्बा वैष्णवी मां, आप एक एक कर को इन राक्षसों को क्यों मार रही हो? आप केवल हुंकार मात्र से ही सारे राक्षसों को समाप्त कर सकती हैं। आप में बहुत बड़ा है, आप अलंघ वीर्य हैं और एक ही हुंकारे नेवताम भस्म, इस प्रकार से ऐसे कह करके आप सब प्रकार के राक्षसों को क्यों समाप्त नहीं कर देती? दृष्टि विकिन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वान सुरान अरिषु यत् प्रहिनोषि शस्त्रम। आप उन पर शस्त्र क्यों चला रहे हैं? कि लोकान प्रयान्तो रिपपोऽपि शस्त्रभूता। ये शत्रु जो हैं शस्त्र के द्वारा पवित्र होकर के ये अपने अच्छे लोक को जाएं, स्वर्ग लोक को जाएं, परम धाम को जाएं। आप इन राक्षसों के प्रति भी, दुष्टों के प्रति भी इतना अच्छा सोचती हो, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध में यदि शस्त्र के द्वारा किसी की मृत्यु होती है, युद्ध में जिसकी मृत्यु होती है वो परम धाम को प्राप्त होते हैं, परम सुख को प्राप्त करती हैं उनकी आत्माएं। इसलिए हे मां, आप इनके लिए भी इतना अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को कष्ट भी दे रहे हैं ये राक्षस,
लेकिन आप इनको एक एक कर को शस्त्र से मार रहे हैं। आपका यही मतलब है कि ये शस्त्र से मरेंगे तो ये सभी लोग जो हैं वो परम लोक को प्राप्त होंगे। ऐसी भगवती का यह हृदय अपने उन लोगों के प्रति भी जो परेशान करते हैं उनके प्रति भी इतना सरल हृदय है। आप जिस जगह पर बैठे हैं ये भगवती का दरबार और ये तीनों देवियां पूरे विश्व को एक उन्नति की ओर आगे ले जा रही हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर रही हैं। और ये जो क्षेत्र है हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ये देवी बाहुल्य स्थान है, यहाँ पर शक्तियों की बहुत अधिकता है। आप जानते होंगे कि जम्मू में बाहु माता, सांबा में चीची माता, सुकराला में सुकराला माता और रामनगर में चौंतरा माता, पिंगला माता, उसके साथ भद्रवाह में सरथल माता और मचेल माता किश्तवाड़ में, और श्रीनगर में खीर भवानी माता, और जम्मू से लगता हुआ जो हिमाचल प्रदेश है उसमें चिंतपूर्णी माता, नैना माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, कांगड़ा माता, जो सभी देवियां जो हैं भक्तों के सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती हैं। और जिन देवियों के आगे आप बैठे हुए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, सरस्वती से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपके पास बड़ा वैभव आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन ज्ञान को कभी भूलिए मत। अपने संपत्ति का ज्ञान के आधार पर व्यय कीजिए, कहां कहां वो संपत्ति लगानी है। एक गलत बातों पर, गलत तरीकों से उस संपत्ति का इस्तेमाल मत कीजिए। पैसा आपके पास बहुत आए, भगवती आपके पास देवी जी देगी भी, लेकिन उसका धन का उपयोग जो है वो ठीक प्रकार से, व्यवस्थित प्रकार से होता रहे। सरस्वती माँ जी हैं यहाँ पर, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, जितना भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो सरस्वती का जितना भी स्वरूप है, इस सरस्वती के स्वरूप से वो अपने मनोभिलाषित कामनाएं पूर्ण करें। सरस्वती हंस के ऊपर बैठी हुई है, हंस वाहिनी है, इनके हाथ में बीना है, माला इनके हाथ में है, पुस्तक इनके हाथ में है, ज्ञान का सब प्रकार का स्रोत इनके पास है। बीना संगीत की अधिष्ठात्री देवी है, जितने भी संगीत के लोग हैं वो इस सरस्वती का आराधना करते हैं, विद्वान लोग और सब प्रकार की विद्याओं में निपुणता चाहने वाले जो लोग जो हैं वो सरस्वती की आराधना करते हैं। और बीना, बीना का नाम संस्कृत में क्या है, कच्छपी, और कच्छपी किसे कहते हैं, कछुई को। और कछुई क्या करती है, जल से निकल करके रेत के बीच में अपने अंडे दे देती है, और जल में चली जाती है, अंडों का ध्यान करती है, और उस ध्यान से उसके अंडे पक जाते हैं और वो अपने काम में, अपने उस संतान को आगे पढ़ने में सफल हो जाती है। विद्यार्थियों को ज्ञान को प्राप्त करने वाले के लिए ये बीना से संदेश है, सरस्वती की बीना से, कि जिस समय भी आपने कोई ज्ञान प्राप्त करना है, एक तान से हो, एक तान हो करके और एक ध्यान से, ध्यान लगा करके उस ज्ञान को प्राप्त करें। यदि ध्यान आगे पीछे विचलित हुआ तो आपके कार्य में वो सिद्धि होना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ध्यान करना, कोई भी काम जो है वो ध्यान से करेंगे, थोड़ा भी आगे पीछे ध्यान जाएगा तो वो काम में गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद हंस वाहिनी है, तो हंस के ऊपर, हंस क्या करता है कि हंस पानी और दूध एक साथ इकट्ठा पड़ा हुआ होगा तो पानी से दूध निकाल लेता है। बहुत सी विद्याएं हैं और विद्या शास्त्र जो हैं बहुत हैं, वेद बहुत हैं, अन्य अन्य साइंस की किताबें बहुत हैं, उनमें जो निश्चोत भूसार है, निचोड़ जो है, उस निचोड़ को आप धारण करें और निचोड़ लेकर के आप आगे चलें और स्वयं अपना कार्य भी करें, और जिनको वो ज्ञान आपने वितरित करना है उस ज्ञान को भी एक सार रूप में वितरित करें। माला इनके हाथ में है, माला के 108 दाने हैं और 8 और 1 9 है, और 9 ही भगवतियां हैं। जिस चीज का आपने ध्यान करना है, जिस चीज को स्मरण करना है, उसको बार बार आप स्मरण करें। माला की तरह जिस प्रकार भगवान को, भगवती को स्मरण करते हैं, इसी प्रकार उन विषयों को बार बार स्मरण करें ताकि वो आपकी बुद्धि गम्य हो जाएं, आपकी बुद्धि में वो चीजें सारी आ जाएं। पुस्तक है तो
तो हमारे कहते हैं कि पुस्तकी भवति पंडितः, जिसके पास पुस्तकें हैं और पुस्तकों का ज्ञान है वही पंडित होता है। पंडित का मतलब केवल यही नहीं है कि तिलक लगा दिया, धोती लगा दी और पंडित हो गए। पंडित का मतलब है किसी भी शास्त्र में निपुणता होना, किसी भी किसी भी विद्या में निपुण होना। कोई भी किसी प्रकार की विद्या को वो जो बहुत ज्यादा जानता है वो पंडित है। गत्यर्थक परिधातु से पंडित शब्द बनता है। और सद असद विवेक विचार शालिनी बुद्धि सा पंडा, जो अच्छे का विचार कर सकता है, बुरे का विचार कर सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको पंडा कहते हैं। तद्वत आचरती थी पंडिता, उसके समान जो आचरण करता है उसको पंडित कहते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है पंडित हो सकता है। और उसके साथ बीच में महालक्ष्मी जी हैं और किनारे पे वहां पर महाकाली जी। आप महालक्ष्मी से बड़ा वैभव प्राप्त करेंगे, उसकी रक्षा करने के लिए महाकाली से प्रार्थनाएं करेंगे। आपके पास बहुत बड़ा वैभव होगा, उस वैभव को लेने वाले लुभव से लोग आ जाएंगे। पहले नवरात्र में ही मैंने आपको बतला दिया था कि राजा सुरथ और समाधि वेश की संपत्ति सारी लूट ले गई थी और अपने लोगों ने लूटी। इसलिए भगवती से महाकाली से ये प्रार्थना करें कि हमारे जो विरोधी हैं और हमारे वैभव को जो समाप्त करना चाहते हैं उनको परास्त करें। उसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि माँ धन दो, ऐश्वर्य दो, आयु दो, विद्या दो, संतान की उन्नति दो, सब प्रकार की सुख समृद्धियां दो। इतना होकर के फिर आप भगवती से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन देवियां केवल आप हम सबको नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना ज्ञान भी दे रही हैं, वैभव दे रही हैं और शत्रुओं का नाश भी कर रही हैं। हमें इस अवसर पर विशेष प्रकार से ये विचार करना चाहिए कि हमारे जो श्रद्धा चैनल के जो MD महेंद्र कुमार जी हैं, वो भी जहाँ पर इस प्रकार के सारे कार्य को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए इनको निर्देश देते हैं और उस निर्देश का पालन ये सभी लोग कर रहे हैं। और आपका ज्ञान, हम सबका ज्ञान भगवती माँ की आरती, पुजारी जी की आरती पूरे विश्व में प्रसारित की जा रही है। आप जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, यदि भी हमारे बहुत से देवी देवता हैं, हम सब प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं। और ये भी आप ध्यान रखें कि कुछ लोग कहते हैं कि एक ही देवता रखना चाहिए अपने पूजा रूम में। आप नाना प्रकार के, अपना कल्याण चाहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है अपने पूजा रूम में कई प्रकार के देवताओं की मूर्ति रख सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारा भारतवर्ष पंच देवोपासक है। पांच देवता कौन है? सूर्य। सूर्य के आधार पर तो पूरा ब्रह्मांड स्थिर है। सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सूर्य की उपासना, उसके बाद गणेश की उपासना, विष्णु की उपासना, दुर्गा की उपासना और शिव की उपासना, ये पांच देवता जो हैं हमारे लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं और इनसे अपने वरदान प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं। सभी देवताओं के बीच में उन पांचों में शक्ति जो है वो विद्यमान है और शक्ति उनको सब प्रकार की शक्ति से उत्प्रोत करती है। और जिस जिस प्रांत में भी जिस जिस देवता की अधिक पूजा होती है वहां पर जाकर के वो लोग अपने भक्तजन जो हैं वो सभी आशाएं पूर्ण करते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और उन देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारा भारतवर्ष कोई सामान्य भारतवर्ष सामान्य देश नहीं है। ये देवी देवताओं का देश है, ये अवतारों का देश है, ये फकीरों का देश है, ये शंकराचार्यों का देश है, ये साधु महात्माओं का देश है, ये अखाड़ों के प्रसिद्ध लोगों का देश है। इस देश में किसी प्रकार की भी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। पीर पैगंबरों का देश है। यहाँ पर सब प्रकार की सुख समृद्धियां, सब प्रकार की शक्तियां हमारे पास हैं। श्राइन बोर्ड आप सबके और विश्व के आने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए अहर्निश प्रयत्नशील है, प्रयासशील है। हमारे राज्यपाल सम्माननीय आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक जी, उनका पूरा
एक श्राइन बोर्ड और उसके उनके द्वारा प्रेरित और आदिष्ट हमारे सिमरनजीत सिंह जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वे है और श्राइन बोर्ड के सभी मेंबर अहर्निश दिन रात आपकी सुविधा के लिए, यात्रा की सुविधा के लिए, दर्शनों की सुविधा के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासशील हैं और दिन रात इस कार्य को और ज्यादा उन्नत बनाने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े समय के बाद अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होगी, उसके लिए भी अब ये यात्रा ठीक प्रकार से सुचारू रूप से संपन्न हो और हम सभी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए भगवती माँ से प्रार्थना करें, स्वामी अमरनाथ जी से प्रार्थना करें और इधर से लेकर के अमरनाथ तक जाने वाला जितना रास्ता है उस रास्ते में आने वाले जितने भी लोग हैं, किसी भी वर्ग विशेष के लोग हों, उस यात्रा में सहयोग करें और उस यात्रा को ठीक प्रकार से संपूर्ण बनाने में मदद करें और यदि किसी प्रकार के अरिष्ट हों उन अरिष्टों को दूर करने का प्रयास करें। ये पंचदेवोपासक उनमें शंकर भगवान भी हैं और ऐसे शंकर भगवान जो संसार का कल्याण ही करने वाले हैं। हमारे धर्म और आस्थाएं अपने आप में विशेष होती हैं। जिस धर्म में आस्था नहीं है वो धर्म धर्म नहीं कहलाता। जिस नाग में मणि नहीं होती वो नाग निस्सार होता है। जिस आग में जलाने की शक्ति नहीं होती वो आग निस्सार होती है। जिस धर्म में भावना नहीं होती वो भावना वो धर्म जो है वो निस्सार है। उस परमात्मा के साथ साजुज्य करने के लिए वो हमसे दूर नहीं है। हम नारायण हैं, हम नर हैं, वो क्या है? नारायण है। हम नर हैं तो वो नारायण है। हम योगी हैं, वो क्या है? महायोगी है। हम आत्माएं हैं, वो महात्माएं हैं। हम जनता है, वो क्या है? जनार्दन है। उसका और अपना देखिए कितना समानता हमारी है। हम आत्मा है और वो महात्मा है। ये उस तत्व के तक पहुंचने के लिए उससे अपने आप को हम कभी भी भिन्न न समझें। चाहे वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति विशेष होगा, किसी ना किसी तत्व को वो मानता होगा और वो तत्व उससे भिन्न नहीं है। ये केवल वहां पर रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी भावना से आप भगवती का ध्यान करें। भावना से ही सब कुछ होता है। भवानी भावना गम्य, भवानी भावना से ही प्राप्त हो सकती है और भावनाएं आपकी सुदृढ़ हैं, व्यवस्थित हैं, आपके पास सब कुछ होगा। मैं अधिक नहीं कहता हुआ इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कहूंगा कि पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं। इस आरती में आप आनंद लेंगे और अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ पूरे विश्व के जितने लोग हैं वो प्रसन्न रहें, सुखी रहें, रोग से रहित रहें और हम सबका आपस में मैत्री संवर्धन हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक वैदिक मंत्र के माध्यम से मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, जिस मंत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लिए वेद के मंत्र से शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र में आशीर्वाद और उनकी उन्नति के लिए कामनाएं की गई हैं। मंत्र है ओम यथे मा वाचं कल्याणी मा वदानी यणेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्यग्वं शूद्राचार्या स्वाचारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूज समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादो नमतु। आयुष्मान् भव, पुत्रवान् भव, श्रीमान् यशस्वी भव, प्रज्ञावान् भव, भूरिभूतिकरणै दानैकनिष्ठो भव, तेयस्वी भव, बैरिदर्पदलने व्यापारदक्षो भव, श्रीशम्भुर्भव पादपूजनरतः सर्वोपकारी भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपके द्वारा एक जयकारा लगाऊंगा और पुजारी जी यहां पर खड़े हैं, इस पुजारी जी की आरती का दिव्य आनंद प्राप्त करिए। बोल सच्चा ज्योता वाली। धन्यवाद। आज गणेश
बहुत अच्छा लगा। आप पहले से ही चार जोक के बैठे हुए, सच में ऐसा लग रहा है आपको बहुत आनंद आया आरती का। सबको आरती का आनंद आया,
और सबको आए, सभी को आपने आचार्य जी के अच्छे अच्छे वचन सुने। मैंने शुरू से ही आपको कहा था कि आचार्य जी आएंगे, आपको अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे कार्य बताएंगे कि आप अपने जीवन में क्या करें क्या ना करें। अगर आप सारी बातें ना सही, कुछ भी अपने जीवन में बातें लाएंगे तो देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलेगा। बाकी रोज शास्त्री जी आपको इतने अच्छे अच्छे वचन सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। श्राइन बोर्ड की यही कोशिश है, आज आप जहां बैठे हैं कल आप अपने घरों में होंगे। जब आरती के समय आप बैठोगे तो कम से कम ये जो जाते हैं आपकी माँ के साथ, जो आपने जहां बैठ के माँ भगवती के साथ उसकी गोदी में बैठ के तप किया, इसकी जात तो आपको आएगी ना जब घर जाओगे। तो अपनी आरती में बैठ के, आरती के समय में बैठ के जब आप वहां पर आरती देखोगे तो अपने आप को यहीं पाओगे। इस भावना के साथ कि आप यहीं बैठे हैं और जगत जननी माता रानी आपके साथ वहां बैठी है, आशीर्वाद के साथ, आपके परिवार के साथ, पूरे आपके कुटुंब के साथ, वर्धत के साथ। आज आपने माता महाकाल रात्रि जी के दर्शन कर रहे हो, अंदर जगत जननी आपके उस रूप में भी विराजमान है। मैं माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि जगत जननी माता रानी जी आप सबके कष्ट दूर करें, बुरी बलाओं को दूर करें और कोई भी जो बुरी आदतें, वो भी बुरी बलाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। जगत जननी हम थोड़ी कोशिश करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि ये जो भारत वर्ष में जो शरीर के अंदर बुरी बलाएं हैं मां इनको दूर कर। बाहरी तो आप कर ही देती हो लेकिन जो मन के अंदर है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, ऐबों में घुस गए हैं, हे मां आप उन बच्चों की रक्षा करो ताकि वो भी अपना जीवन सुखमय बिता सके। थोड़ी थोड़ी कोशिश वो करेंगे उन बुरी बलाओं से भागने की, और जगत जननी माँ अपने वर्द हस्त के साथ उनकी कोशिश को पूरी करें। देखिए जो नवरात्रि आप रखते हैं इसके बहुत से फायदे वैसे भी हैं। आप व्रत रखते हो, विचार अच्छे, कुछ खाते नहीं हो, लेकिन जो बुरे ऐबों में है वो भी 9 दिन तक थोड़ा कोशिश करते हैं, अपने से कोशिश करते हैं, नहीं 9 दिन हम कुछ नहीं करेंगे। तो माता रानी उनके वो 9 दिन जो है वो जीवन का प्रण बन के जाए ताकि हमारा देश में ये बुरी आते, ये जो बुरे ऐब है खत्म हो जाए, जहां देखें खुशहाली हो। मैं आज महाकाल रात्रि माता जी से यही प्रार्थना करूंगा उन बच्चों के लिए, आप सबके लिए, आपकी बुरी बलाएं दूर करें, उन बच्चों के ऐबों से दूर करें और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवती माता रानी जी से आप सबके लिए आशीर्वाद। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरे, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सबके बारी है। पहली जय आपने बहुत अच्छी बोली थी, पूरी गूंज के साथ ऐसे आवाज, मैं आपको बोलता हूँ ना, ऐसे आशीर्वाद लेके माँ का आपका जे जकारा, आप क्या समझते हो जय आप क्या बोल रहे, आपके मुख से जो जय निकल रही है ना वो माँ से आशीर्वाद लेते हुए इसी कोशिश के साथ
कि हमारे पूरे भारतवर्ष में पूरे ब्रह्मांड में सुख और शांति लेके जाए। अपनी आवाज को मां की पहचान बना लीजिए ताकि जब घर से जयकारा बोलोगे पता चल जाएगा कौन बोल रहा है, कौन जाल कर रहा है मां को। इसलिए पूरी आवाज और गूंज के साथ पूरी लहर के साथ अपने हाथ मां को दिखाते हुए रेखाएं, हे मां इसमें कोई भी कमियां हैं त्रुटियां हैं वो दूर कर और हमारे ऊपर वरदहस का हाथ रख। सभी ऐसे मां की तरफ हाथ करके आशीर्वाद लेंगे बोलो 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 आशीर्वाद। जय माता दी। जय हो सम्मान जी। जय माता दी। जय हो। आज तो देवियां खाते हैं। जय हो। Yeah.
पूरा दरबार सज गया ऐसे ले माता में बैठी हुई है सारी लो जी जी आपके लिए लो दोनों हाथों जे लो जी लो जी आशीर्वाद दो अपने पानी पीना पानी पीना कटोरी में पी लोगे ना पीलो थोड़ा ये गुफा का जल है लगा लो मुंह लगा लो कोई बात नहीं साफ कर लेंगे पीलो जितना पीना उतना पीना